नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 का मैच नंबर 44 25 अक्टूबर को यानी आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच और इस वीडियो में हम इस महामुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या होने वाली इस मुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, क्या क्या बड़े बदलाव हमें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड के स्टैट्स के आधार पर कौन सी टीम इस महामुकाबले को जीतने वाली है, और साथ ही साथ बात करेंगे उन 5 आइकॉन खिलाड़ियों की जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना। यानी इस वीडियो में हम इस महामुकाबले को पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो यदि आप सभी लोग आईपीएल 2020 को एंजॉय कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस महामुकाबले को माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जी हां, वहां पर ज्वाइन होते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस महामुकाबले के लिए वहां पर सौरव गांगुली ने भी अपनी टीम बनाई है। और यदि आपकी टीम सौरव गांगुली की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिलने वाला है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर हर सप्ताह करोड़ों रुपए जीत रहे हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश बैक भी मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की। तो भाई, एक तरफ यहां पर है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वही दूसरी तरफ है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी के लिए आईपीएल 2020 बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2020 बहुत ही खराब रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 26 बार आमने सामने हुई है, जहां पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा है विराज। या चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर 26 में से 16 बार जीत दर्ज की है, 9 बार बेंगलोर को जीत मिली है, 1 मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा, यानी वन साइडेड यहां पर सीएसके का पलड़ा हैवी है। लेकिन आईपीएल 2020 में 10 अक्टूबर को ये दोनों टीमें इसी मैदान पर दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने हुई थी, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सीएसके के खिलाफ 37 रनों से बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की थी। और उस करारी शिकस्त का बदला लेने के लिए अब महेंद्र सिंह धोनी की सेना इसी मैदान पर बेंगलोर के खिलाफ उतरने वाली है। आईपीएल 2020 में दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस की यहां पर बात करते हैं, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरसीबी ने आईपीएल 2020 में अभी तक कुल 10 मैच खेले हैं, जहां पर 7 मुकाबलों में बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की है, 3 मुकाबलों में यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2020 में अभी तक कुल 11 मैच खेले हैं, जहां पर केवल 3 मैच यह टीम जीत पाई है, 8 मुकाबलों में यहां पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहुत ही रोमांचक टक्कर हमें यहां पर देखने को मिलने वाली, क्योंकि अगर यहां पर बेंगलोर की टीम जीत जाती है तो बेंगलोर की टीम आईपीएल 2020 की प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी। चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 की। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस महामुकाबले में हमें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, जहां पर शेन वॉटसन की दोबारा से प्लेइंग 11 में एंट्री होने वाली है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर्स की। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहां पर आरोन फिंच और देवदत्त पड्डीकल के साथ उतरने वाली है, वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर सैम कुरन और फाफ डुप्लेसिस के साथ उतरने वाली, और यहां पर ओपनर्स के मामले में वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हैवी है, क्योंकि सैम कुरन फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में है। आईपीएल 2020 में फाफ डुप्लेसिस की भी तरफ से हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वही दूसरी तरफ आरोन फिंच और देवदत्त पड्डीकल इतनी खास फॉर्म में हमें यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते ओपनर्स के मामले में वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हैवी है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास यहां पर विराट कोहली, एबीडी विलियर्स और शिवम दुबे मौजूद है, वही दूसरी तरफ सीएसके के पास यहां पर शेन वॉटसन, अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी मौजूद, और यहां पर मिडिल ऑर्डर के मामले में वन साइडेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पलड़ा हैवी, क्योंकि जिस टीम के मिडिल ऑर्डर में एबीडी विलियर्स और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज मौजूद है, उस टीम का मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम से वीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हमेशा जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके चलते मिडिल ऑर्डर के मामले में मुझे यहां पर वन साइडेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पलड़ा हैवी लग रहा है।
रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहाँ पर क्रिश मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर के साथ उतरने वाली है। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम यहाँ पर केदार जाधव और रविंद्र जडेजा के साथ उतरने वाली है। और यहाँ पर लोअर मिडल ऑर्डर के मामले में मुझे वन साइड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पल रहा है लग रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और क्रिश मॉरिस ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को देखते हुए मिडल ऑर्डर यहाँ पर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहाँ पर नवदीप सैनी, ईशुरू उडाना, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज के साथ उतरने वाली है। वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम यहाँ पर इमरान ताहिर, दीपक चहर, पीयूष चावला और शार्दुल ठाकुर के साथ उतरने वाली है। और यहाँ पर गेंदबाजों के मामले में मुझे वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा है लग रहा है, क्योंकि सीएसके के बॉलर्स फिलहाल काफी शानदार फॉर्म में, इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप चल रही है लेकिन बॉलर जबरदस्त फॉर्म में। और यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को तो मुझे यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज काफी शानदार लग रहे हैं। ओवरऑल कंपैरिजन की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप स्टैट्स के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि 26 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जहां पर 16 बार यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग ने जीत दर्ज की, केवल 9 बार बेंगलोर की टीम जीत पाई है। लेकिन आईपीएल 2020 फिलहाल अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए जबरदस्त चल रहा है, जिसके चलते भाई यहाँ पर कंपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, प्रिडिक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जाना पसंद करूंगा। अब हम बात करते हैं उन 5 आइकॉन खिलाड़ियों की जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फाफ डु प्लेसिस, दूसरे नंबर पर शेन वॉटसन, तीसरे नंबर पर सैम कुरन, चौथे नंबर पर विराट कोहली और 5वें नंबर पर है एबी डी विलियर्स। इन 5 खिलाड़ियों को हमें अपनी फैंटेसी टीम से किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि ये 5ों खिलाड़ी हमें हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं, हर मैच में हमें अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, जिसके चलते अगर आप कहीं पर भी फैंटेसी टीम अपनी बनाते हैं, माई लेवल सर्कल पर भी बना सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आप इन 5 खिलाड़ियों को किसी भी हालत में मिस मत करना। उसके बाद हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड के स्टैट्स की, तो आप सभी को बताना चाहूंगा। पिच के बारे में आप सभी को पता है कि भाई यहां पर स्पिनर्स के लिए थोड़ा फ्रेंडली रहने वाली है, ग्राउंड काफी ज्यादा लंबा है, जिसके चलते ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, 170-170 यहां पर मैच रह जाएगा। लेकिन यहां पर जो पिच है वो बॉलर्स के लिए फ्रेंडली होने वाली है, मीडियम फास्ट बॉलर्स को यहां पर मदद मिल सकती है, लेकिन भाई आप सभी को पता है गर्मी वहां पर काफी ज्यादा, जिसके चलते ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा होने वाली है, जो टीम यहां पर बाद में गेंदबाजी करती है उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो ग्राउंड के स्टैट्स हैं उनके आधार पर जो टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करती है उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड के स्टैट्स पर अगर आप नजर डालें तो यहां पर वन साइडेड पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत दर्ज करती है। आईपीएल 2020 में भी इस मैदान पर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसके चलते यदि कोई भी टीम यहां पर टॉस जीतती है तो वो बल्लेबाजी की तरफ जाना पसंद करेगी। फाइनल प्रेडिक्शन की बात करते हैं, भाई मैं तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पर इस महामुकाबले में हैवी पड़ने वाली। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।